हेलो फ्रेंड्स, आज द हिंदू 25 जून का लेकर के आए हैं। इसमें बिजनेस जो न्यूज़पेपर में रहता है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, इसकी आज जो सारी हेडलाइंस हैं, हम पहली बात तो हेडलाइंस जितनी भी बिजनेस ऑफ द डे में है वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो पहली जो इसमें न्यूज़ आई हुई है वो क्या है कि एयरलाइंस बैटल प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग फुल। मतलब जो एयरलाइंस बैटल प्रॉब्लम्स है वो क्या है, पार्किंग फुल। मतलब जो पार्किंग का जो स्पेस है वो फुल है। इसका देखते हैं क्या है, नेटवर्क प्लानर से दे ऑफन असाइन फाइनल फ्लाइट्स फॉर द डे टू स्मॉलर सिटीज और गल्फ कंट्रीज टू ओवरकम पार्किंग कॉन्सेंट्रेंट ट्रेंड्स एट हब्स इन दिल्ली। मतलब कहाँ पे इसका हब्स है, वो दिल्ली में है एंड मुंबई, और मुंबई में एयर इंडिया, इंडिगो एंड विस्तारा विच कंट्रोल 85% ऑफ द मार्केट। जिससे क्या फिर है, नाउ अवेल ओनली अबाउट हाफ पार्किंग कैपेसिटी दे वुड लाइक टू। यहाँ पर क्या है, नो पार्किंग का मतलब फ्लाइट्स असाइन टू स्मॉलर सिटीज लेट इन द डे आर अनलाइकली टू सी फुल सीट ऑक्यूपेंसी और कमांड हाई एयर फेयर्स एट दोज हावर्स। दिस इज़ एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एयरलाइंस। मतलब एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है किसके ऊपर, एयरलाइंस पे। एयरलाइंस आल्सो डिप्लॉय देयर एयरक्राफ्ट फॉर रेड आई फ्लाइट्स, इट मीन्स लेट नाइट डिपार्चर एंड अर्ली मॉर्निंग अराइवल। मतलब यहाँ पर और क्या क्या इशू आ रहे हैं, जैसे कि रेड आई फ्लाइट का मतलब होगा कि लेट नाइट डिपार्चर होना और अर्ली मॉर्निंग अराइवल, मतलब देर में डिपार्चर होती है और जल्दी पहुँच जाना। पार्किंग स्पेस इज नीडेड टू कैरी आउट मेंटेनेंस चेक दैट कैन टेक 2 to 3 hours। कम से कम मतलब कितना, 2 to 3 hours के लिए कैरी आउट मेंटेनेंस। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडियन एयरलाइंस अवेट द डिलीवरी ऑफ ऑलमोस्ट 1,500 एयरक्राफ्ट्स ओवर द नेक्स्ट 7 to 12 years, बट एट होप दैट द फ्लीट साइज टुडे दे ऑफन ग्रैपल विद पार्किंग चैलेंजेस फॉर द देयर एयरक्राफ्ट। मतलब सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें क्या आ रहा है, पार्किंग का। टू ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन द दिल्ली एंड मुंबई यूज्ड एज हब एयरपोर्ट्स फॉर फ्लाइट ऑपरेशन बाई वेरियस इंडियन एयरलाइंस एज वेल एज बेसिस फॉर देयर पायलट्स एंड कैबिन क्रू हैव अ कम्बाइंड पार्किंग कैपेसिटी ऑफ 364 एयरक्राफ्ट फॉर द क्लोज 2,700 प्लेन्स अमंग देम रिसेंट ऑर्डर ऑफ द 500 एयरक्राफ्ट बाई इंडिगो ऑन टॉप ऑफ इट्स प्रीवियस ऑर्डर ऑफ 480। एयर इंडिया का कितना है, 470 एयर इंडिया, 3 digits ऑफ ऑर्डर बाई आकाशा लाइकली बाई द एंड ऑफ द ईयर ओलंपिक 2030। मतलब इनका जो ऑर्डर है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ में क्या है, मतलब देर आर 233 पार्किंग स्टैंड्स इन दिल्ली फॉर नैरो बॉडी। यहाँ पर दिल्ली में जो पार्किंग का पार्किंग स्टैंड कितना तक हो जाएगा, तो 233 एंड वाइड बॉडी प्लेन्स, मतलब नैरो और वाइड बॉडी दोनों टाइप्स के, अकॉर्डिंग टू द एरोनॉटिकल्स इंफॉर्मेशन AI पब्लिकेशन, एंड 131 फॉर नैरो बॉडीज इन मुंबई। और मुंबई में 131 स्टैंड्स हो सकते हैं, एंड एयरलाइन एग्जीक्यूटिव सेट, ये ऐसा एग्जीक्यूटिव ने बोला है दैट एयरलाइंस सच एज एयर इंडिया, इंडिगो एंड विस्तारा डेट कंट्रोल 85% ऑफ द मार्केट आर अवेल ऑन ओनली अबाउट हाफ द पार्किंग कैपेसिटी दे वुड लाइक टू हैव अ हेल्प प्लेन फ्लाइट इन अ कमर्शली वायबल मैनर। दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट अकाउंट फॉर 1/3 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। फिर है द लैक ऑफ नाइट पार्किंग स्टैंड ऑफन फोर्सेस एयरलाइंस टू फ्लाई द लास्ट फ्लाइट ऑफ द डे टू स्मॉलर सिटीज सच एज द अहमदाबाद द अल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स फॉर मुंबई। ये जो अहमदाबाद एयरपोर्ट्स है वो किसका अल्टरनेट है, मुंबई का, एंड लखनऊ अल्टरनेट्स ऑफ दिल्ली विच आर अनलाइकली टू रिकॉर्ड हाई सीट ऑक्यूपेंसी आर कमांड हाई एयरफोर्स एज दे वुड ऑन मेट्रो टू मेट्रो फ्लाइट।
तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो स्टैंड का लिए है, पार्किंग स्टैंड के लिए है, वो स्पेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे स्पेस की कमी हो रही है। और जो प्लेन्स हैं उनका नंबर ऑफ प्लेन्स इंक्रीज़ किया जा रहा है, बट पार्किंग के लिए अभी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एडिशनल बर्डन, दिस इज़ एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एयरलाइंस। ये क्या हो रहा है, इससे एक एयरलाइंस पे एक एडिशनल बर्डन बढ़ रहा है। द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर विल द ऑप्ट ऑफ द सच प्राइस, सेड एन एग्जीक्यूटिव इन द नेटवर्क प्लानिंग टीम ऑफ एन एयरलाइंस। इससे क्या हो रहा है कि एयरलाइंस पे कहीं ना कहीं कुछ बर्डन बढ़ रहा है, जिससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फिर है सेकंड इसमें क्या है कि गूगल स्पीचई मीट्स पीएम मोदी अनाउंस गुजरात इन्फ्राटेक सेंटर। मतलब जो सुंदर पिचई हैं, यानी जो पिचई जी हैं, वो हमारे मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और वो अनाउंस करेंगे कि जो गुजरात है, गुजरात को फिनटेक सेंटर में अनाउंस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू यूएसएस शील्ड सम बिग विंस फॉर हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात, इंक्लूडिंग विद गूगल विच अनाउंस द ओपनिंग ए ग्लोबल फिनटेक कॉपरेशन सेंटर। मतलब क्या होगा, गुजरात में ग्लोबल फिनटेक कॉपरेशन सेंटर इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात के लिए गिफ्ट होगा। इट विल सीमेंट इंडियाज़ फिनटेक लीडरशिप थैंक्स टू यूपीआई एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द फाउंडेशन एंड टेक इट ग्लोबली, गूगल सीईओ सुंदर पिचई सेड ऑन फ्राइडे व्हेन ही मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन वॉशिंगटन डीसी। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी थे, वो फ्राइडे को कहाँ गए हुए थे, वॉशिंगटन डीसी, एंड द एडवेंट ऑफ द एआई आई थिंक द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू मेक मोर प्रोग्रेस एंड डेफिनेटली एग्जिस्टिंग ही एडेड गिफ्ट सिटी विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग बिल्ट इज़ द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन द गांधीनगर। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गुजरात का क्या है, गांधीनगर। मिस्टर पिचई वॉइस्ड ही सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया विजन, गूगल हैड एंड अनाउंस्ड 10 बिलियन इंडिया डिजिटाइजेशन फंड इन 2020। द हिंदू रीच्ड आउट द गूगल ऑन सैटरडे फॉर डिटेल्स ऑफ द फिनटेक सेंटर विच हैव नॉट बीन अनाउंस्ड। अमेजॉन इन्वेस्ट फर्दर, और अमेजॉन जो कंपनी है वो भी अपना आगे क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में। तो ये जो है, जैसे जो ग्लोबल फिनटेक कॉपरेशन सेंटर इन गिफ्ट सिटी फॉर गुजरात, तो ये अनाउंस होने जा रहा है गूगल की तरफ से। या कौन करेगा, सुंदर पिचाई जी कर रहे हैं। amazon.com इंक सेड ऑन फ्राइडे इट वुड टेक इट्स इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 26 बिलियन बाय 2030। मतलब 2030 तक 26 बिलियन तक का क्या करेगा अमेजॉन, इन्वेस्ट करेगा कहाँ, इंडिया में। एडिंग 6.5 बिलियन इन न्यू प्लांट इन्वेस्टमेंट इन अनाउंसमेंट मेड फॉर आफ्टर CEO एंडी जैसी मेट मोदी इन द US। जो उनके CEO हैं एंडी जैसी, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए, जो अभी हमारे जो मोदी जी गए हुए थे, तो उनके जाने से काफ़ी चीज़ों में एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, और कई अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स हमारे इंडिया को मिलने जा रहे हैं, जिसमें डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ सेक्टर है, टेररिस्ट ग्रुप के लिए, ग्रुप के अगेंस्ट में वर्क है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस पे मोदी जी और USA मिलकर के वर्क करने जा रहा है, और जिससे मुझे लगता है इन फ्यूचर हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा और मल्टी मॉडल टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प मिलेगी। पीएम मोदीज़ US विजिट टू ब्लॉस्टर बायलेटरल कोलाबोरेशन। यहाँ पे बायलेटरल कोलाबोरेशन की बात हुई है। तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट विल बूस्ट बायलेटरल टाइज एंड डिपेन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन इन एरिया सच एज डिफेंस, सेमी कंडक्टर, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया शेड ऑन सैटरडे। मतलब जो सेमी कंडक्टर
हमने बताया ना, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे वर्क करेगा इंडिया यूएसए के साथ में मिलकर। CIIA डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी स्टेटेड दैट द विजिट हैड क्लमिनेटेड इन लाइंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडो यूएस रिलेशनशिप देनिंग इंडो यूएस रिलेशनशिप ही ऑब्जर्व द विजिट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट एज वी सी न्यू एरियाज वेयर इंडस्ट्री ऑन बोथ साइड वुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द आउटकम्स अनदर इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम शेड द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट द टेकन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल रिलेशन ग्रेटर हाइट प्रोविंग द वे ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंडिया को हेल्प मिलेगी यूएसए के साथ में, बहुत अच्छा अच्छा वर्क होने जा रहा है। WS इंडस्ट्री शिफ्ट फोकस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक ये भी है गवर्नमेंट अप्रूव्स वेग हाइव नाग जेग नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑफ सिविल, और फिर है लुकास टू रेज स्टेक इन इंडिया निपन टू ओवर 1700 इरेडी एक्सपेंड्स इरेडई। देखो इरेडई का आप लोग एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, और जेड्यूज इस तरीके से है इंश्योरेंस रेगुलेटर, है ना। तो नेक्स्ट जल्द ही लेकर के आएंगे वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू।